हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। ओके, आज इसमें देखेंगे हम बी बायोलॉजी, यानी कि इसमें देखेंगे मधुमक्खियों का पूरा जीवन काल, कैसे इनका जन्म होता है, क्या इनका यूज होता है एंड क्या इनका पर्सनल यूज है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल में ये वीडियो रहेगी। अगर आप इसके पहले का हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, सारी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बी बायोलॉजी, ओके स्टूडेंट, बी बायोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द लाइफ साइकिल। ओके, बी बायोलॉजी क्या रिफर्स करते हैं, स्टडी यानी कि अध्ययन ऑफ द लाइफ साइकिल, पूरा लाइफ साइकिल इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, इसमें आपका एनाटॉमी, बिहेवियर एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बीज, क्या क्या देखेंगे इसमें हम, एनाटॉमी देखेंगे, बिहेवियर देखेंगे उनका, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बीज। ओके, मधुमक्खियों का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस भी हम इसमें देखेंगे। बीज आर फैसिनेटिंग सोशल इंसेक्ट दैट प्ले ए क्रूशियल रोल इन पॉलिनेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया, बीज जो है, जो मधुमक्खी है, वो आपकी एक तरीके के सोशल इंसेक्ट हैं जो कि प्ले करती हैं क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं वो आपके पोलिनेशन में। ओके, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोलिनेशन में कैसे वो रोल प्ले करती हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं हम। एंड द इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग बी बायोलॉजी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव बी कीपिंग प्रैक्टिसेस एंड कंजर्विंग दिस वाइटल पोलिनेटर। देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बी बायोलॉजी में हम ये भी चीज़ देखेंगे, जरूरी है जो कि आपकी एसेंशियल फॉर इफेक्टिव बी कीपिंग, अच्छे तरीके से हमें जो हम लोग मधुमक्खी पालन करते हैं उसको अच्छे तरीके से कंजर्व करके कैसे हम लोग पोलिनेटर्स का उसमें इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। ओके, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। लेट्स एक्सप्लोर सम की एस्पेक्ट्स ऑफ बी बायोलॉजी, चलिए कुछ देख लेते हैं हम आपके की एस्पेक्ट्स क्या हैं बी बायोलॉजी के। फर्स्ट हमारा स्टूडेंट लाइफ साइकिल। ओके, लाइफ साइकिल देखेंगे बी बायोलॉजी में। यहाँ पर दिया गया है आपका फर्स्ट पॉइंट, एग। द लाइफ साइकिल ऑफ ए बी बिगिंस विथ एन एग लेड बाई द क्वीन बी इनसाइड ए हनी कॉम्ब सेल। ओके, यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो लाइफ साइकिल ऑफ बी है, जो पूरा आपका लाइफ साइकिल होता है आपका मधुमक्खी का, उसमें एक जो ले करती हैं उसको कौन, वो कौन ले कर रहा है आपका, क्वीन, जो क्वीन बी है यानी कि जो रानी है पूरे मधुमक्खियों में, वो क्या करती है, इनसाइड है हनीकॉम्ब सेल, जो हनीकॉम्ब सेल के अंदर आपका जो अंडा है उसको क्या करती है, वो लेइंग करती है। ओके, एग आर लेड बाई द क्वीन एंड वेन ए कॉलोनी वॉन्ट्स टू प्रोड्यूस ए न्यू क्वीन। ओके, देखिए एग ले कौन कर रहा है, क्वीन कर रही है। ओके, दैट्स क्लियर। और जब कॉलोनी, पूरा कॉलोनी चाहेगा कि नया प्रोड्यूस हो, नई क्वीन बने, क्योंकि जो रानी वही जैसे कि राजा का लड़का राजा होता है। ओके, तो रानी क्या करेंगी, एग ले कर रही है, तो उनकी जो संतान होगी वो भी न्यू क्वीन, वो नया वहाँ का राजा बनेगी। ओके, तो ये क्लियर हुआ। ए स्पेशल सेल इज कंस्ट्रक्टेड एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द ब्रूड कॉम्ब। यहाँ पर दिया गया है कि एक स्पेशल सेल होता है जो कि आपका कंस्ट्रक्ट बनाया जाता है लोअर बॉर्डर वहाँ का ब्रूड कॉम्ब का, ये दिया गया है फंक्शन। ऑन दिस सेल ए सिंगल एग इज लेड बाय द क्वीन इन ईच सेल। प्रत्येक सिंगल सेल जो होता है वो लेड किया जाता है किसके द्वारा, क्वीन के द्वारा, प्रति जो आपका एक एक एग होता है। विच हैज्ड आफ्टर थ्री डेज, जो कि आफ्टर तीन, मतलब कि तीन दिन बाद क्या किया जाता है, फिर उसको हैचिंग की प्रोसेस उसमें आती है। दैट्स क्लियर। इसके बाद दिया गया आपका द न्यूली हैज्ड ग्रब्स आर प्रोवाइड विथ रॉयल जेली। देखिए द न्यूली हैज्ड, जो फिर से नया हैच हम उसमें क्या करेंगे, हैचिंग करेंगे, तो उसके लिए आवश्यकता पड़ेगी आपकी रॉयल जेली की। जो रॉयल जेली मंगाएगी किससे, जो न्यू यूथ के आपके बीज हैं उनसे, कौन मंगाएगा, क्वीन मंगाएगी वहाँ पे एग लेइंग के प्रोसेस के लिए। बेसिकली इसमें हम लोग एग के बारे में पढ़े हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया आपका स्टूडेंट न्यूपिटल फ्लाइट एंड मेटिंग। ओके, द यंग क्वीन फ्लाइज विथ ड्रोन 2 to 3 days लेटर। यहाँ पर दिया गया है द यंग क्वीन फ्लाई विथ ड्रोन टू
2-3 days later, देखिए 2 से 3 दिन बाद वो क्या करेंगी, नए ड्रोन के साथ, ड्रोन इसमें मेल बीज होता है, उनके साथ जो क्वीन है वो फ्लाई करेंगी, सी मेट्स विथ ड्रोन, और वह मीटिंग करेंगी ड्रोन के साथ, एंड द मेल ड्रोन डाई आफ्टर द कॉपुलेशन, समझ रहे हो, कॉपुलेशन के बाद जो मेल ड्रोन है उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएंगे, द मेटेड क्वीन स्टोर द स्पर्म फॉर फ्यूचर यूज, और जो मेटेड क्वीन है जिससे उनका मीटिंग हुआ है किसी मेल ड्रोन से, मेल ड्रोन तो मर गए, अब ये क्या करेंगी, उनके स्पर्म को सेफली रखे रहेंगी स्टोर करके फ्यूचर यूज, भविष्य में कभी भी इस्तेमाल करना हो तो वो उस स्पर्म का यूज कर सकती हैं, ओके। तो यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आई, चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट एग लेइंग, ओके, ये सभी कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं आपके बी बायोलॉजी में ही, यानी कि मधुमक्खी पालन का पूरा आपका जीवन काल में ही, ओके। इसमें देखते हैं हम, फर्स्ट यहाँ पर दिया गया आपका एग लेइंग में, द न्यू क्वीन स्टार्ट लेइंग एग, जो नई रानी रहेंगी वो फिर से क्या करेंगी, स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब फिर से वो एग लेइंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एग को ले करना चालू कर देंगी, बिकमिंग द मदर क्वीन, जब तक वो मदर क्वीन नहीं बन जाती हैं, ओके। एग हैच इन 3 to 4 days, एग जो हैचिंग होगा 3 से 4 दिन की प्रक्रिया होगी, दे आर लाइट ब्राउन एंड ओवल, जो आपका अंडा होगा वो लाइट ब्राउन हो जाएगा, ओवल हो जाएगा, ओके। दिस क्वीन चेक सेल बिफोर लेइंग, वो क्या करेंगी, जो क्वीन है मधुमक्खियों की रानी है वो चेक करेंगी इस सेल को बिफोर लेइंग, लेइंग करने से पहले वो चेक करेंगी उस सेल को। डिफरेंट टाइप ऑफ बीज हैव डिफरेंट साइज सेल फॉर डेवलपमेंट, अलग अलग मधुमक्खियों के पास अलग अलग साइज होता है विकास के लिए, किसके विकास के लिए, अंडे के विकास के लिए, ओके। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया है स्टूडेंट आपका लार्वा, ओके, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बी बायोलॉजी में, द एग हैच इन टू ए लार्वा विच इज ए लेगलेस ग्रुप लाइक फॉर्म दैट डिपेंड ऑन नर्स बीज टू फीड इट विथ रॉयल जेली फॉर 2 to 3 days, ओके। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एग हैचिंग हो रही है, लार्वा बन रहा है, ओके, इनटू लार्वा विच इज लेगलेस, जो कि आपका लेगलेस है, ग्रुप लाइक फॉर्म दैट डिपेंड्स ऑन नर्स, जो कि ग्रुप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, जो डिपेंड करेगा आपका नर्स बीज पे, नर्स बीज यानी कि जो उसकी देखभाल करती हो, सब कुछ सेम साइज तो लग रहा है, नर्स बीज जो उसकी देखभाल करती हैं, ओके, टू फीड इट, उनके भोजन के लिए, विथ रॉयल जेली फॉर 2 to 3 days, यानी कि रॉयल जेली उनको दिया जा रहा है 2 से 3 दिन के लिए, जो कि रॉयल जेली परमानेंट यूज करती, कौन यूज करती थी, आपकी क्वीन यूज करती थी, किससे मंगाती थी, वो मंगाती थी आपके जो नए यूथ के बीज हैं, उनसे मधुमक्खियाँ उनसे बोलती थी, जाओ भाई तुम नेक्टर वगैरह से मतलब ले आओ, तो वहाँ से वो रॉयल जेली लाते थे उनके लिए, बट यहाँ पर जब आवश्यकता पड़ रही है आपकी एज ए फॉर्म ऑफ लार्वा, तो वहाँ पर जो नर्स बीज हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं फीड के रूप में रॉयल जेली 2 से 3 days, दैट्स क्लियर स्टूडेंट, एंड देन गिवेन हनी एंड नेक्टर, और वो क्या करते हैं, एंड गिवेन, वो देते हैं हनी शहद और नेक्टर देते हैं उन्हें, ग्रुप्स डेवलप फ्रॉम एग, ओके, एग से आपका ग्रुप डेवलप हो गया, रिजल्टिंग इन वर्कर्स एंड क्वीन फॉर्म फर्टिलाइज्ड एग, क्या रिजल्ट आया यहाँ पर, जो वर्कर हैं और जो क्वीन है वो फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म करते हैं वहाँ पे, एंड ड्रोन्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि भाई ड्रोन यार वो आपके मेल फ्लावर हैं, तो वहाँ पे अनफर्टिलाइज्ड एग फॉर्म करेंगे, जो कि वह फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस वहाँ पे नहीं हो पाएगी, यानी कि वहाँ से आपके जो नए आपके बाय थ्रू लार्वा जो भी क्रिएट होंगे, जो भी ऑर्गेनिट होंगे आपके बीज, वो वहाँ पे नहीं हो पाएंगे, ओके। तो ये क्लियर होता है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टूडेंट टूपा का, ओके, ये क्या है, आफ्टर सेवरल डेज ऑफ फीडिंग, कुछ समय खाना देने के बाद या कुछ समय फीडिंग के बाद, द लार्वा स्पाइंस ए कुकून, जो लार्वा होगी वो स्पाइन मतलब कि फॉर्म होगी कुकून की तरह, अराउंड इट सेल्फ इट ट्रांसफॉर्म इन टू ए पूपा, जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होती जाएगी पूपा के रूप में, ओके, ड्यूरिंग दिस स्टेज, उस स्टेज में द बीज अंडरग्रो मेटामॉर्फोसिस एंड ट्रांसफॉर्म इन टू एन एडल्ट बीज, जो मधुमक्खियाँ होंगी वो आपकी धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस यानी कि एडल्ट बी के रूप में ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी, यानी कि वह धीरे धीरे बड़े होती जाएंगी, द प्यूपल पीरियड लास्ट फॉर अबाउट 7 to 14 days, प्यूपल पीरियड कितने दिन का होता है, लगभग 7 से लेकर 14 दिन का होता है, डिपेंडिंग ऑन
डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एडल्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। ओके, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये डिपेंड करता है आपका किस तरीके से वो एडल्ट होती हैं। धीरे धीरे एडल्ट होंगी तो उनका जो पीरियड होगा वो धीरे डिले हो सकता है, बट अगर जल्दी वो मैच्योर हो जाती हैं, जल्दी वो एडल्ट हो जाती हैं, तो उनका जो पीरियड होगा वह 7 to 14 मिनिमम एक तरीके से यहाँ पे रेशियो दिया गया है। तो ये आपका पूपा फॉर्मेशन का स्टूडेंट यहाँ पे बताया गया। ओके, ये सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग बी बायोलॉजी के अंदर में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया स्टूडेंट यहाँ पे एडल्ट। ओके, वंस द मेटामॉर्फोसिस इज कम्प्लीट, जब एक बार मेटामॉर्फोसिस कम्प्लीट हो जाती है, वो एडल्ट हो जाते हैं, द एडल्ट बीज चीव इट्स वे आउट ऑफ द कुकून। ओके, वो कुकून से बाहर निकल के वो फिर से चीव करने लगते हैं, यानी कि खाने पीने लगते हैं, एंड इमर्ज एज फुली डेवलप्ड बी, और वो इमर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं आपके फुली डेवलप्ड बीज में, यानी कि जो डेवलप्ड बीज मधुमक्खियाँ हैं उनमें क्या हो जाएंगे, वो इमर्ज हो जाएंगे, घुल मिल जाते हैं। ये कौन करते हैं आपके एडल्ट बीज, जब एडल्ट हो जाएंगे उस कंडीशन में। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड बात करेंगे अब हम स्टूडेंट एनाटॉमी के बारे में। ओके, बीज एनाटॉमी के बारे में हम बात करेंगे कि इनका एनाटॉमिक फीचर्स क्या क्या हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग, पहले बात करेंगे हेड का। ओके, द हेड ऑफ ए बी कंटेन्स माउथ पार्ट, एंटनी, कंपाउंड आईज एंड ए पेयर ऑफ सिंपल आईज, ओसिली जिसे हम कहते हैं। ओके, हेड क्या होंगे आपके, बीज कंटेन माउथ पार्ट, जो कि माउथ पार्ट कंटेन करेंगे वो, जिसमें आपके एंटनी होगी, कंपाउंड आइज होंगी, एंड पेयर ऑफ सिंपल आइज, दो एक पेयर होंगी आपके सिंपल आइज की, जिसे हम ओसिली कहते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं और हम लोग एनाटॉमी में क्या क्या हमको पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट दिया गया है इसमें स्टूडेंट आपका थोरैक्स। ओके, थोरैक्स, द थोरैक्स इज द मिडिल सेक्शन ऑफ द बीज। थोरैक्स क्या आपका मिडिल सेक्शन होता है मधुमक्खियों का, मधुमक्खी के शरीर का, विच हाउसेस द थ्री पेयर ऑफ लेग एंड टू पेयर ऑफ विंग्स, जो कि क्या कंटेन करता है, तीन पेयर ऑफ लेग यानी कि पैर, एंड टू पेयर ऑफ विंग्स, दो पेयर इसमें विंग के होते हैं, यानी कि उन्हें हम जिससे वो उड़ती हैं। ओके, तो ये आपका कंप्लीट होता है थोरैक्स। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड है आपका स्टूडेंट सोशल स्ट्रक्चर। ओके, इसके पहले हम लोग ने देखा एनाटॉमी ऑफ बीज, अब देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट इसमें दिया गया आपका क्वीन बी के बारे में। ओके, द क्वीन बी इज द रिप्रोडक्टिव फीमेल इन द कॉलोनी, ट्रू मदर बीज। ओके, जो आपकी क्वीन बी होती हैं वह रिप्रोडक्टिव फीमेल होती हैं कॉलोनी की, ट्रू मदर बीज। ओके, क्योंकि उन्हीं का नया तो फिर से जो फॉर्मेशन आएगा, जो भी इनका रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि जो भी इनका मीटिंग होगा, हम लोग ड्रोन के साथ कराते थे, ड्रोन मर जाता था, उसके बाद ये स्पर्म को सेव कर लेती थी, इन फ्यूचर अगर वो किसी तरीके से एज ए अगर ट्रू मदर बी बन पाती हैं, तो वही उनका जो नया जो उनका नई बीज होगी वो फिर से क्वीन बी कहलाएगी। ओके, सी लेज एग एंड इज लार्जर देन अदर बीज, उनका जो अंडा होगा वह अदर बीज के कंपेरिजन में बड़ा होगा। ओके, लार्जर देन अदर बीज, द कॉलोनी हैज ओनली वन क्वीन, अब पूरे कॉलोनी की केवल एक बीन सॉरी एक केवल क्वीन होगी, वह एक केवल रानी होगी पर्टिकुलर। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग इनकी ड्यूटीज के बारे में। तो ले एग लेइंग अप टू 2000 प्रति डे। ओके, यानी कि 2000 पर डे इतना ये एग ले करती हैं, समझ पा रहे हो आप कितना ज़्यादा। मेंटेनिंग ए स्ट्रॉन्ग कॉलोनी, जो कि कॉलोनी को स्ट्रॉन्ग कर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया है इसमें। इसमें थर्ड आपका दिया गया है मेट्स विथ ड्रोन आफ्टर इमर्जिंग एंड स्टोरिंग स्पर्म। ओके, ये क्या करती हैं, मेट करती हैं विथ ड्रोन, यानी कि जो ड्रोन होते हैं मेल आपके बीज होते हैं उनके साथ, वो क्या करती हैं, मेट करती हैं आफ्टर इमर्जिंग, यानी कि घुल मिल जाने के बाद, स्टोरिंग स्पर्म, स्पर्म को ये क्या करती हैं, स्टोर कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है लिव्स फॉर अबाउट 3 ईयर, ये मतलब 3 साल की लगभग लाइफ जिंदा रहती हैं, रिप्लेस्ड व्हेन अनेबल टू ले एग्स, जब तक कोई दूसरा एक लेग को अनेबल, मतलब कि जब तक दूसरा कोई रिप्लेस इनको ना कर दे, जैसे कि क्या होता है कि तब तक शासनकाल इनका चलेगा भाई, जब तक ये पूरी तरीके से वहाँ पे मतलब उनका जब तक राज्य रहेगा, जब तक दूसरा कोई उत्तराधिकारी उनका नहीं बन पाएगा, जैसे ही कोई रिप्लेसबल करने के लिए आ गया कि नहीं अब तुम मुझे रिप्लेस कर सकती हो, ओके, यानी कि तुम मुझे अब रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे, तो वो क्या करेंगी कि अपने किसी उत्तराधिकारी को अपना पद दे देंगी, भाई जाओ तुम अब एक लेइंग करो, हम यहाँ से खाली हो जा रहे हैं, तब तक वो जीवित रहेंगी। ओके, तो मेन इनका बेसिकली यही फंडा होता है। नेक्स्ट आ गया आपका फोर्थ स्टूडेंट सीक्रेट। ओके,
सीक्रेट क्या है भाई, इनका कुछ सीक्रेट भी होता होगा। तो क्वीन सबस्टेंसेस फॉर कॉलोनी कोहेंशन, ओके, इनका सीक्रेट यही है कि बेसिकली ये कॉलोनी को एक तरीके से घुल मिला के रहती हैं और यानी कि यह पूरी तरीके से सब कुछ वहाँ पर डील करती हैं, तो ये इनका ड्यूटीज हो गया। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हम ड्रोन बीज के बारे में, बहुत पढ़ लिए हम लोग बीज के बारे में, बट अभी तक हम लोग केवल क्वीन के बारे में पढ़े हैं, रानी के बारे में, बट हम लोग पढ़ेंगे अब राजा के बारे में, यानी कि ड्रोन, ओके, जो ड्रोन मेल फ्लावर होते हैं। तो ड्रोन आर मेल बीज, ये क्या होते हैं, मेल बीज हैं, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग लार्जर देन वर्कर। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि उनका जो वो जो होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं, ओके, हुज प्राइमरी रोल इज टू मेट विथ द क्वीन, जिनका प्राइमरी रोल होता है कि वो मेट करेंगे क्वीन के साथ। एज द स्टिंग इज ए मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल जेनेटिलिया, जो कि आपका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है फीमेल जेनेटिलिया की तरह, दैट डू नॉट हैव स्टिंगर्स एंड आर एक्सपेल्ड फॉर फ्रॉम द हाइव ड्यूरिंग द विंटर, ओके, दे डाई आफ्टर मेटिंग। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि वो अपने तरीके से खुद अपने खुद वो क्या करेंगे, खुद एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, उनका खुद का कोई कुछ क्वालिटी नहीं होता है, और अपने वो मतलब जैसे विंटर कंडीशन में, जैसे ठंडी के कंडीशन में, तो वो उनका बहुत बड़ा हाइव नहीं है कि नहीं अपने आप को फिर शो कर पाएँ, सेफ कर पाएँ, एंड दे डाई आफ्टर मीटिंग, और वो मीटिंग के बाद क्या होते हैं, मर जाते हैं। दैट क्लियर स्टूडेंट। बात करें नेक्स्ट उनकी ड्यूटीज़ के बारे में, तो फर्टिलाइज द क्वीन, क्वीन की फर्टिलाइजेशन में काम आते हैं, हेल्प करते हैं, ओके, मीटिंग में हेल्प विथ मेंटेनेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, जो कि मेंटेन करते हैं वह हाई टेम्परेचर को, ओके, तो ये कंप्लीट होता है इनका ड्रोन बीज का। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट वर्कर बीज, ओके, वर्कर बीज क्या होते हैं, वर्कर बीज आर स्टराइल फीमेल होती हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर टास्क सच एज फोरेजिंग, नर्सिंग द ब्रूड एंड बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हाइव वर्क ऑफ द कॉलोनी, ओके, ये सब कुछ हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन वो आप फिर से देख लेते हैं कि जो आपकी वर्कर बीज होती हैं वो स्टराइल फीमेल होती हैं, जिनका जिम्मेदारी होता है फॉरेजिंग के लिए, ओके, यानी कि बाहर से चारा वगैरह लाने के लिए, नेक्टर हो गया, फ्लावर हो गया, तो वो सब के वो लाने के लिए, नर्सिंग यानी कि देखरेख करने के लिए, जैसे कि क्वीन क्वीन सॉरी जब फर्टिलाइज होने लगेंगे तो उस टाइम की कंडीशन पर वो देखभाल करेंगे उनकी, ओके, ब्रूड के लिए एंड बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग द हाइव, आपका जो हाइव बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्रोटेक्टिंग रक्षा करने के लिए इसमें वर्कर बीज का इस्तेमाल होता है, वर्क ऑफ द कॉलोनी, ओके, पूरे कॉलोनी को सेफ रखना। दे हैव वैक्स ग्लैंड, उनके पास वैक्स ग्लैंड होता है ऑन देयर एब्डोमेन एंड एडाप्टेड हिंड लेग्स फॉर पोलन कलेक्शन, ओके, देखिए उनके पास वैक्स होता है, वैक्स समझ रहे हो, चिपचिपा सा पदार्थ जो कि उनके पेट के तरफ होता है, एडाप्ट इन हैंड लेग्स, और जो उनके हिंड लेग्स में भी होता है पोलन कलेक्शन के लिए, जो पोलन ग्रेन्स होता है वो कहाँ पे स्टिकी फॉर्म पे चिपकता है, वो उनके वैक्स ग्लैंड पे ही जाके चिपकता है, ओके, यानी कि जो आपका हिंड लेग्स है उन पे ही चिपकता है, फिर से पोलिनेशन होता है, यही तो मेन तरीका है वर्कर बीज का, इसीलिए तो इस्तेमाल करते हैं हमें हम इन्हें एज ए पोलिनेटर, ओके, तो ये चीज हो गया आपका। द मैंडिबल्स आर फ्लैटेंड एंड स्पून शेप्ड विच आर यूज्ड फॉर मोल्डिंग द वैक्स फॉर कॉम्ब बिल्डिंग, यहाँ पर दिया गया है कि आपका जो मैंडिबल्स होता है वो फ्लैटेड होता है, स्पून शेप टाइप का होता है, जो कि आपका वैक्स की तरह मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ओके, दे मेंटेन द कॉलोनी इन गुड कंडीशन, ये कॉलोनी को मेंटेन किए रहती हैं अच्छी कंडीशन, ओके, दे हैव डिवाइडेड लाइफ स्पेन, इनका जो लाइफ स्पेन है वो डिवाइडेड है, हाउस ड्यूटी 3 weeks एंड आउटडोर ड्यूटी रीसेट ऑफ द लाइफ, यानी कि पूरा जीवन काल इनका पूरा इनका जो होता है वो डिवाइड रहता है कि तुम घर की रक्षा करोगी, जो घर हाउस ड्यूटी है वो 3 सप्ताह तक, उसके बाद पूरे जीवन काल तुम बाहर से रक्षा करती रहोगी, ओके, तो ये वर्कर बीज होती हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। अब इसी में बात करें हम स्टूडेंट इनकी हाउस ड्यूटी की, तो हाउस ड्यूटी में क्या क्या इंक्लूड है, फर्स्ट इनका बिल्डिंग ए कॉम्ब विथ वैक्स सिक्रेशन फ्रॉम वैक्स ग्लैंड, ओके, ये बिल्ड करती हैं कॉम्ब को वैक्स सिक्रेशन, यानी कि वैक्स को सिक्रीट करती हैं वैक्स ग्लैंड से। दैट इज क्लियर स्टूडेंट। सेकेंड पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, फीड द यंग लार्वा विथ रॉयल जेली सिक्रेटेड फ्रॉम द
हाइपोफायरेनोगेल ग्लैंड्स। ओके, ये क्या करती हैं, रॉयल जेली को भी सिक्रीट करती हैं, कहाँ से, कौन से ग्लैंड से, हाइपोफायरेनोगेल ग्लैंड से। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट दिया गया आपका यहाँ पर, फीड ओल्डर लार्वा, ये फीड करती हैं ओल्डर लार्वा को एज ए चारे के रूप में विथ बी ब्रेड, ओके, पोलन हनी, इन सब चीज़ों को क्या करती हैं, फीड करती हैं। नेक्स्ट दिया गया यहाँ पर फीडिंग एंड अटेंडिंग क्वीन, फीडिंग करती हैं क्वीन को अटेंड करती हैं, ओके। नेक्स्ट दिया गया आपका फीडिंग ड्रोन्स, ये फीडिंग ड्रोन यानी कि जो ड्रोन होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है एज ए हाउस ड्यूटी के लिए, ओके। नेक्स्ट इनका क्लीनिंग वेंटलिंग एंड कूलिंग द हाइव, यानी क्लीनिंग के लिए, वेंटलिंग के लिए, कूलिंग द हाइव के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इनकी ड्यूटी होती है हाउस होल्ड ड्यूटी, ओके। नेक्स्ट दिया गया इनका गार्डनिंग द हाइव, यानी कि गार्डनिंग करेंगी हाइव का, ओके, मतलब रक्षा करेंगी। लास्ट दिया गया स्टूडेंट यहाँ पे इवोपरेटिंग नेक्टर एंड स्टोरिंग हनी, ओके, यानी कि यहाँ पर जो नेक्टर रहेगा उसको क्या करेंगी, वो सेफली रखी रहेंगी और हनी को भी वो धीरे धीरे वहाँ पे स्टोर करेंगी, यानी कि जो नेक्टर होगा उससे जो वाटर जो मॉइस्चर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो हनी जो शहद रहेगा वो वहाँ पर स्टोर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया स्टूडेंट आउटडोर ड्यूटी, ओके, आउटडोर ड्यूटी में क्या इंक्लूड किया गया है, फर्स्ट है कलेक्टिंग नेक्टर, नेक्टर को कलेक्ट करते हैं ये, पोलन को, प्रोपिल्स को एंड वाटर यानी कि पानी को। सेकंड क्या दिया गया है, राइपिंग हनी यानी कि शहद को पकाती हैं इन द हनी स्टमच, ओके, हनी स्टमक में क्या करेंगी, ये हनी को पकाएंगे। ये किसका काम हो गया आपका, बीज का, आउटडोर ड्यूटी जो कि इंक्लूड होती है इनकी। चलिए देखते हैं हम लोग आप नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया इसमें स्टूडेंट आपका फोर्थ बिहेवियर एंड एक्टिविटीज, क्या इनका बिहेवियर होता है, एक्टिविटी क्या होती है। तो फर्स्ट इनका फॉरेजिंग, फॉरेजिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके, वर्कर बीज फॉरेज फॉर नेक्टर, ये क्या करती हैं, फॉरेज करती हैं नेक्टर के लिए, पोलन के लिए एंड वाटर टू ब्रिंग बैक टू द हाइव एज फूड एंड रिसोर्स, ये फॉरेजिंग करती हैं, ओके, ये क्लियर हो गया। किसके लिए, नेक्टर के लिए, पोलन के लिए, वाटर के लिए, पानी के लिए एंड फूड रिसोर्सेज जितने भी होते हैं फॉर द हाइव, ओके। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हम, फील्ड बीज कलेक्ट पोलन, फील्ड बीज जो होती हैं कलेक्ट करती हैं पोलन, नेक्टर, प्रोपील्स एंड वाटर, दैट्स क्लियर। अगला देखते हैं हम स्काउट बीज, स्काउट बीज क्या करती हैं, ये स्काउट बीज फाइंड ए न्यू सोर्स एंड कम्युनिकेट थ्रू डांसिंग, ओके, जो स्काउट बीज होती हैं ये खोजती हैं नया स्रोत जिसके जरिए हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ और मतलब थ्रू डांसिंग, डांसिंग के थ्रू क्या करें हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ, एक दूसरे से बात कर पाएँ, ओके। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया स्टूडेंट यहाँ पे डांसिंग, ओके, डांसिंग क्या है भाई, फर्स्ट पॉइंट है हनी बीज कम्युनिकेट फूड सोर्स डिटेल थ्रू डांस, ओके, हनी बीज जो होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं फूड स्रोत कहाँ है, कैसे है, उसके थ्रू में कैसे डांस के थ्रू करती हैं ये। सेकंड दिया गया है टू डांस, इसमें दो डांस दिया गया है, राउंड डांस, शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि एक ही जगह पे घूमरती हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर, एंड टेल वैगिंग डांस जो कि लॉन्गर डिस्टेंस के ऊपर होता है, यानी कि टेल वैगिंग डांस करती हैं ये, टेल वैगिंग डांस करती हैं जिससे समझ में आता है कि लॉन्गर डिस्टेंस में वो फूड सोर्स को खोज रही हैं या तो वहाँ पर जा रही हैं, ओके। थर्ड पॉइंट है इनका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कन्वेड थ्रू डांस स्पीड एंड एंगल, ओके, डायरेक्शन या तो इनका डिस्टेंस जो होता है वो कन्वर्ट करती हैं, बताती, एक्सप्रेस करती हैं थ्रू डांस के थ्रू, अपने स्पीड के थ्रू या एंगल के थ्रू, ओके, ये चीज़। नेक्स्ट दिया गया आपका प्रूफ कार्वन फ्रिस डिस्कवर्ड एंड इंटरप्रेटेड बी लैंग्वेज इन द 1920s, ओके, जो आपके प्रूफ कार्वन फ्रिस हैं ये डिस्कवर्ड किए थे, क्या किए थे, इंटरप्रेटेड बीन लैंग्वेज यानी कि बी लैंग्वेज को क्या किए थे, डिस्कवर्ड किए थे, दैट्स क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है लास्ट दिया गया स्टूडेंट आपका बीज आल्सो यूज साउंड फॉर कम्युनिकेशन, और बीज क्या करती है यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो इस्तेमाल करती हैं आपका आवाज़ का फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत के लिए वो आवाज़ों को इस्तेमाल करती हैं, ओके, दैट्स क्लियर यहाँ पे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट पोलिनेशन, ओके, बेसिकली बी बायोलॉजी में इनका पोलिनेशन जो होता है यानी कि जो पोलिनेशन ये हेल्प करते हैं, बहुत ही बेस्ट इनका ये मेथड है, क्राइटेरिया है, एंड इनका बी बायोलॉजी में यानी कि मधुमक्खी पालन में जिस तरीके से हम लोग करते हैं वहाँ पर पोलिनेशन का मेन सेक्टर यूज होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड क्रॉप्स, ओके, इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फर्स्ट यहाँ पे दिया गया आपका इंपॉर्टेंस में, बीज आर एसेंशियल पोलिनेटर्स फॉर मेनी फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो मधुमक्खी होती है वो बहुत ज़्यादा उनका एसेंशियल पोलिनेटर होते हैं, जरूरी पोलिनेटर होती हैं फॉर मेनी फ्लावरिंग प्लांट, जो कि फ्लावरिंग के लिए पौधों को बहुत आवश्यकता इनका होता है, इंक्लूडिंग क्रॉप लाइक फ्रूट्स, जैसे कि फल हो गए, वेजिटेबल हो गए, नट्स हो गए एंड ऑयल सीड हो गए, दे ट्रांसफॉर्म पोलन
बिटवीन फ्लावर इनवेलिंग फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट एंड सीड। या क्या करती हैं, ए वन फ्लावर से लेकर सेकेंड फ्लावर तक वहाँ से नेक्टर को थ्रू अपने जो वैक्स ग्लैंड है वहाँ पर वो स्टिकी फॉर्म में चिपका कर दूसरे फ्लावर पर ले जाती हैं, जिससे क्या होता है फ्यूजन हो जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड सीड। दैट्स क्लियर स्टूडेंट, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट हो जाता है वहाँ पर, सीड हो जाता है। तो ये आपका पोलिनेशन में बहुत हेल्प करती हैं। सो इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है स्टूडेंट। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, काफ़ी मेहनत लगा यार, काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया टॉपिक, क्योंकि बेसिकली इसमें बी बायोलॉजी में हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक को क्लियर किए, कवर किए, तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया। बट आप पूरा 100% देख लीजिए एक बार, अगर आप फिर से चाहें तो समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम होता है किसी कॉन्सेप्ट पे तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिजोल्यूशन दे दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।